पशुपति पारस गुट के वीणा देवी और महबूब अली केसर की चिराग पासवान से मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के बाद क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, सब बताएंगे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। सर, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली स्थित चिराग पासवान के आवास पर महबूब अली कैसर, खगड़िया के सांसद, और वैशाली की सांसद वीणा देवी मिलने पहुंची थी। दोनों लोग गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे। जाहिर तौर पर चिराग पासवान को बीजेपी ने जो मनमाफी सीटें दी है उसके लिए बधाई दी गई है दोनों की तरफ से, लेकिन साथ साथ अपने लिए टिकट की मांग भी की गई है। लेकिन टिकट पर क्या आश्वासन मिला है यही हम बताने जा रहे हैं। जो पशुपति पारस के जो खगड़िया सांसद है उन्होंने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अगर उन्हें अपनी पार्टी से मौका देते हैं तो वह उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि हमारे पास विजुअल है कि चिराग पासवान से महबूब अली कैसर अभी मिलने पहुंचे हैं, तो उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया। कहा कि पुरानी तस्वीर है, पुराना वीडियो है, ऐसी कोई बात नहीं है, महबूब अली कैसर हमारे साथ हैं। लेकिन अब महबूब अली कैसर ने साफ साफ बोल दिया है और चिराग पासवान के ऊपर ही फैसला छोड़ दिया है कि अगर उन्हें LJPR से मौका मिलता है तो वो जरूर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बड़ा बयान है। इसके अलावा महबूब अली कैसर ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान से बात हुई है, हमने उनको बताया है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इस दौरान उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आप मुझे ओके बोलते, हरी झंडी देते हैं, तो मैं पारस का साथ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा पत्रकारों से बात करते हुए कि जब नीतीश कुमार ऐसा कर सकते हैं परिस्थिति या बिहार के हित में या अपने संसदीय क्षेत्र के हित में कोई भी मतलब वो पाला बदल सकते हैं, तो हम अपने संसदीय क्षेत्र के हित में क्यों नहीं पाला बदल सकते हैं। तो इस तरीके से महबूब अली कैसर ने साफ साफ चिराग पासवान से जो बातचीत हुई है उसका जिक्र किया है और कहा है कि हम यहाँ से 2 बार सांसद हैं, हमने यहाँ बहुत सारा काम किया है, ऐसे में हमारी दावेदारी मजबूत है, लेकिन अगर चिराग पासवान चाहते हैं तो ऐसे में पशुपति पारस की के सामने में ही, उनकी आंखों के सामने में ही उनकी पार्टी टूटती और बिखरती हुई जा रही है, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिस्थिति और हालात बदल चुके हैं। रही बात वीणा देवी की, तो वीणा देवी लगातार चिराग पासवान के साथ मंच साझा करती रही हैं। उन्होंने फिर से एक बार दावेदारी जताई है, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि अगर LJPR से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर वो वैशाली से चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। ये भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान उन्हें ओके नहीं बोलते हैं तो वो महागठबंधन के टिकट पर महागठबंधन से संपर्क कर सकती हैं, क्योंकि उनके पति जो दिनेश सिंह है वो JDU में है और उनके अच्छे खासे ताल्लुकात हैं महागठबंधन के नेताओं से भी, तो हो सकता है कि उधर से वो पाला बदल के चुनाव लड़े। लेकिन आज उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर चिराग पासवान उन पर भरोसा नहीं जताते हैं तो वो वैशाली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब ये साफ है कि दोनों को चिराग पासवान की तरफ से फिलहाल निराशा हाथ लगी है, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, और इस बात को ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, इशारों इशारों में संकेत भी दे रहे हैं। हालांकि ये तय है कि दोनों मन बना चुके हैं, वीणा देवी पहले ही से छोड़ चुके हैं एक तरीके से, महबूब अली कैसर भी बस छोड़ने को तैयार हैं। इधर से चिराग पासवान हरी झंडी दे और उधर वो पशुपति पारस का साथ छोड़ दे। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अभी भी आस्था जता रही है प्रधानमंत्री मोदी में, बीजेपी में, और उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ मिरेकल उनके लिए हो सकता है। वो जो ईमानदार टेस्टेड ट्रस्टेड साथी हैं इसका रिवार्ड उनको जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल यही डेवलपमेंट है, यही अपडेट है कि पशुपति पारस की पार्टी टूटती हुई जा रही, बिखरती हुई जा रही, भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। न सिर्फ सांसद बल्कि कई बड़े छोटे नेता भी लगातार चिराग पासवान या उनके करीबियों के संपर्क में है, पुरानी बातें भुला करके अब वो चाह रहे हैं कि इस पार्टी में LJPR में वापसी की जाए। स्नेहा, तो देखिए, जिस तरीके से कल ये खबरें सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को 4 से 5 सीटें मिल रही है, उसके बाद लगातार पशुपति यही नहीं, पारस स्नेहा, भी महबूब अली जी कैसर ने यह भी कंफर्म किया है कि चिराग पासवान के खाते में खगड़िया सीट चली गई है। मतलब अच्छा कि जो हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि 4 या 5 सीटें कौन कौन सी मिल रही है, तो उसमें एक खगड़िया भी है हाजीपुर के अलावा, ये भी तय है, वैशाली भी है, ये भी तय है।
जी तो देखिए, पशुपति पारस घुट में खलबली मच चुकी है, और जिस तरीके से वीणा देवी और महबूब अली केसर मिलने गए थे, तो निराशा ही अभी हाथ लगी है। आप देखना होगा कि समय के साथ तस्वीरें किस तरीके से साफ होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।